आज जो है भारत व्यापी बंद का आह्वान किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले सुनाए हैं उसे लेकर, और जो तमाम लोग हैं वो बंद कराने निकले थे, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये क्या वजह है। सर, आप लोग बंद कराने निकले हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है उसमें एसटी एससी जो समाज है उसके लिए आरक्षण में जो क्रिमिनलियर लेके जो है, मैंने समाज के अंदर एक दूसरी समाज का पार्ट टू बना के जो भेजा है, जिससे समाज में आक्रोश है। इसी कारण जो है पूरे बस्तर के साथ साथ हमारे कांकेर जिला और पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान जो है हमारे समाज ने किया है। और निश्चित रूप में इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय और साथ साथ हमारे जो लोकसभा है और जितने हमारे सांसद हैं, वो सारे सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, लीडरशिप है, वो सारे लोगों को इस संबंध में विचार करना चाहिए और पुनः जो है संविधान लाना चाहिए इसका बदलने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है लोग अब उतर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, इन लोग क्या कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन आ रहा है, क्या प्रस्ताव ले रहे हैं, इसको हम लोग अब तो एक दिन का भारत बंद के आह्वान किए हैं। अगर कहीं ऐसा प्रस्ताव लाते हैं कि हमारे समाज को फूट डालने का जो रणनीति है, हमको षड्यंत्र रच के हम खत्म करने का जो रणनीति चला रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो हम आंदोलन करेंगे। आपका क्या कहना है? अब मेरा भी वही कहना है कि सत्ता पक्ष का जो ये निर्णय है ये जल्द से जल्द खत्म किया जाए, नहीं तो आज तो ये टेलर है, इसके बाद और लड़ाई रहेगा। लड़ाई रहेगी। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। आप जो है सुबह से बंद कराने के लिए, क्या स्कूल संस्थान वगैरह में सब बंद करा रहे हैं? क्या है, हमारे ही समाज के लोग स्कूलों में अपने बच्चों को छोड़ते हैं, और यदि वो बच्चों को छोड़ने के बाद यदि चले जाते हैं और बीच में किसी प्रकार की कुछ भी अनहोनी होती है, तो उसको सावधानी बरतते हुए स्कूलों को बंद कराने का हम प्रयास कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं सभी अधिकारियों से कि किसी भी तरीके से कोई भी जनहानि ना हो और यह आंदोलन शांतिपूर्वक पूरे कांकेर में, पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में संचालित हो। अभी जिस तरह से परिवहन सेवा भी बंद है, काफी संख्या में दुकानें बंद है, शहर में जो है पूर्णतः तालाबंदी हो चुकी है, बंद की स्थिति है, क्या इससे कुछ नियमों में परिवर्तन हो सकता है, लोगों की मांग जो है वो सुनी जा सकती है? ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है और सभी के जो अस्तित्व का मामला है एक तरह से, और चूंकि एसटी एससी के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए पूरे भारतवर्ष में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने स्वस्फूर्त बंद को समर्थन दिया है। आपको दिख रहा है स्कूल कॉलेज के लोगों ने भी पहले से ही कह दिया था कि हम जो है स्वस्फूर्त बंद करेंगे, और पूरे लोगों का समर्थन जो है इस भारत बंद को प्राप्त हुआ है, और ये सभी जो है धन्यवाद के पात्र हैं। सभी लोगों ने जो है इस समाज के प्रति अपनी आस्था दिखाई है और इनको सहयोग किया है, इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ जो सुबह से आज बंद कराने निकले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसी के तारतम्य में यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए और एक दिवसीय भारत बंद का आह्वान किया है, और सुबह से सब लोग घूम घूम कर जो है प्रतिष्ठानें देख रहे हैं ताकि बंद है कि नहीं। हालांकि जो यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स है कांकेर के, उन्होंने सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपना समर्थन दिया है।